क्या नाम है? पिंकी। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? लोकसभा का जो माहौल है अच्छा है और लोगों को अच्छी उम्मीद है मोदी जी से कि मोदी जी आएंगे और देश का अच्छा विकास होगा। पहले भी हुआ है और आगे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को मोदी जी से। लेकिन केजरीवाल जी आरोप लगाते रहे हैं मोदी जी पर कि मोदी जी के तानाशाही की वजह से आज वो जेल में बैठे हैं। वो उनका पर्सनल मामला है, उस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे। हमें मोदी जी पसंद हैं, मोदी जी ने देश के लिए काम किया है और हम चाहते हैं मोदी जी ही आए। क्या काम किया है देश के लिए? कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, कांग्रेस बार बार। वो तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो एक दूसरे पे आरोप लगाते ही हैं। कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे लगाती है, वो तो हमेशा से ही होता आया है। पर जो विकास हुआ है वो दुनिया देख रही है, जो पहले नहीं हुआ वो भी दुनिया देख रही है, जो अब हुआ है वो भी दुनिया देख रही है। क्या हुआ आपके हिसाब से, क्या हुआ है? सब हुआ है। आप देखो कितनी अच्छी सड़कें बनी हैं, कितना लोगों को सहूलत हुई है, इतना बड़ा हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो 500 साल से उम्मीदें लगा के बैठे थे लोग, आज वो पूरा हुआ है। तो मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम है आपका? जी मुनाजिर आलम। कहाँ रहते हैं? जी यहीं रहते हैं, कश्मीरी गेट में। कश्मीरी गेट रहते हैं। क्या स्थिति है इस बार आपके क्षेत्र का? ये सब चीज़ के बारे में तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन एक अनुमान होगा किसको पीएम बनाएंगे, अगला पीएम कौन बनेगा? जी इधर हम लोगों का तो, मेरा घर तो बिहार है। अच्छा। हम लोग का इधर हैदराबाद का जो ये चल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उधर का ये चल रहे हैं इसका। अच्छा। पतंग छाप का जी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत चाहिए, केंद्र में बहुमत ही चाहिए। क्या लगता है ओवैसी साहब ला पाएंगे बहुमत केंद्र में? जी हो जाएगा जान तो अच्छी बात है। मोदी जी अगर अगला प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बनेंगे, 400 पार हो पाए होगा तो हो पाएगा? ये तो मालूम नहीं मुझे। क्या लगता है आपको? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो क्यों नहीं सकता ये बताइए। होने का कारण कन्फ्यूजन है तो होने का क्लियर करो, अच्छी बात है ना भाई, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। अगर नहीं होता है तो फिर किसका होगा? अब किसका होगा ये कैसे पता चलेगा? अब वोटिंग होने तो एक तो जीतेगा, एक नहीं भी जीतेगा तो भी कुछ लोग तो कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है वो जीत सकते हैं। ये दो ही तीन कैंडिडेट हैं, अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो कहने में क्या जा रहा है यार? अगर तुमने देखो मन की बात करने के लिए पूछ रहा अगला, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, किसी ने तुम्हें घेर थोड़ी लिया। अगर तुम्हारे को लगता है कि मोदी जी नहीं जीते तो कौन उनके अलावा, यही तो पूछ रहे हैं। हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम केजरीवाल के बारे में सिर्फ बोलेंगे। केजरीवाल तो केजरीवाल खत्म हो गई उनकी, केजरीवाल सही है वो, मुझे ठीक लगता है वो।